तो सारा डेटा मुझे हार्ड डिस्क में कॉपी करना है अभी, तो फिलहाल मैं ये काम करूँगा। बहुत प्यारा लग रहा है सनसेट बिल्कुल। ओ भाई, इतनी पुराने होने के बावजूद भी मेरी आरसी लाइक 8 साल हो गए, लेकिन जो चलती है। अनुपम की हीरोइन। हरी 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 हरी। रखो रखो रखो, जब मैं बोलूँगा दबाते रहना। रुके अबे, ऐसे ऐसे लो मुँह, मेरे को पता नहीं है ना इसका। वाह भाई, सर्च कर दिए ना, ये कलाकृति करवा रहे हैं। अब पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया है। अभी भी लाइक इसके अंदर लाइक बहुत जान है, आराम से मैं इसको चलाऊंगा 15 साल। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। और मैं इतना फेस मतलब रिवील नहीं करता हूँ अपना, तो थोड़ा अगर ढंग से ना बोल पाऊँ तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज मैं बेसिकली अपना ये लैपटॉप है, इसको मैं करने वाला हूँ फॉर्मेट। जब से इसको ख़रीदा है, इसको एक बार भी मैंने फॉर्मेट नहीं कराया है, और ये अब थोड़ा प्रॉब्लम देने लगा है। जब भी मैं एडिट करता हूँ गोप्रो से वीडियो या कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं हैंग करने लगता है। हैंग नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत रेंडर जिसे कहते हैं वो होने लगता है, और भी कुछ चीज़ें होने लगती हैं। और अब लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी टाइट हो गई है। और अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा था, ये हार्ड डिस्क ख़रीदी है तोशीबा की, जो कि मुझे पड़ी 5050 रुपीज़ की ऑफलाइन मार्केट में, जो कि लाइक अच्छी है। यूज़ भी इसका अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती, लाइक ईजिली कॉपी पेस्ट होता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा स्लो कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम की इतनी प्रॉब्लम नहीं है और लाइक आपको लाइक इतनी फास्ट जिसे कहते नहीं है कॉपी पेस्ट करवाना है, तो ये सब अगर इतना फास्ट नहीं चाहिए तब ठीक है, वरना आपको अगर कॉपी पेस्ट लाइक स्पीड चाहिए उसमें, तब आप कोई और देख सकते हैं। लेकिन मेरा काम इसमें हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं आज करूँगा, आज को फॉर्मेट कराऊँगा मैं, ये सारा डेटा जो इसमें है ये सब मैं इसमें पेस्ट करूँगा, और मेरा दोस्त अनुपम है उसके पास जाएंगे, और वहाँ पर जाके मैं थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट वॉर्मेट करूँगा, क्योंकि उसको बेटर नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो मैं उसकी थोड़ी हेल्प लूँगा और वहीं जाएँगे। तो बस मैं रेडी होता हूँ और फिर निकलता हूँ। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मैं क्या बताऊँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए इतनी धूप हो रही है कि निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो हेलमेट के साथ तो पहले तो मुझे ये पहनना पड़ता है, नेक में एक बंडाना इसे कहते हैं आई थिंक समथिंग, और ये रुमाल है जो हेड पे लगाना पड़ता है ताकि थोड़ी ग्रिप मिल सके हेलमेट पे, तो इसलिए लगाता हूँ। और यही सब चीज़ें पहन के चलना पड़ता है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है सर में कि लाइक सफोकेशन भी कभी कभी लगे होने लगती है, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, बोलने की वजह से मेरी सांसें बिल्कुल हाँफने लगती हैं, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा कभी कभी लाइक स्ट्रेस और गर्मी होने लगती है। तो सच में गर्मी में ब्लॉग बनाना इतना ईजी नहीं होता इन कंपेरिजन टू अगर आप ठंडी में हैं। तो सब कुछ मैंने रख लिया है, ये रही हार्ड डिस्क, इसको रख लेते हैं अंदर, और ये रही केबल। चार्जर रख लिया है, लैपटॉप ले लिया है, और बंद करते हैं। ये बैग प्रिटी मतलब अच्छा खासा बड़ा है, तो इसको कैरी करना कभी कभी बहुत टफ लगता है। तो ये है टोटली मेरा सेटअप जहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप वाला एडिटिंग, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, और कैमरे में इसके अंदर रखता हूँ, ये रहा मैं Insta360 DSLR और GoPro रखा हुआ है, और ये सब यहाँ पर सामान रखता हूँ इसे। तो और यहाँ पे मैं प्लानिंग करता हूँ कि क्या कैसे बनाना होता है, इसके पीछे वाइट बोर्ड है जिस पे लाइक टॉपिक्स लिखने के बाद अगर उस पर स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो इस पे करता हूँ। तो टोटली ये है। सेट बिल्कुल, और इसकी हवा नहीं निकली है, थोड़ी ये ब्राइटनेस ना हो तो, क्योंकि ये हल्की सी हवा लीक कर गई थी इसमें, लेकिन लग नहीं रहा लीक हो रही है। तो अभी इसको रख देते हैं, और ड्यूक नहीं लेके जाएंगे, इसको रख देता हूँ मैं बस ऐसी थोड़ी गंदी ना हो, और आज अच्छी से चलेंगे। आ गए हम अपने दुबग्गा, और ये रहा आईफिल टावर ऑफ लखनऊ। ये तो लाइक मुझे लगता है लखनऊ में लाइक सबसे बड़ा और सबसे पुराना टावर आई थिंक यही है, क्योंकि मैं जब से छोटा हूँ तब से ये देख रहा हूँ। मैं पहले इधर ही साइड रहता था, बालागंज साइड रहता था पहले, तो ये टावर मेरे घर से क्लियर दिखता है, और इससे बड़ा टावर मैं गारंटी दे सकता हूँ लखनऊ में इससे बड़ा टावर कहीं नहीं है,
क्योंकि ये मैं इतने टाइम से लखनऊ में रह रहा हूँ, अभी भी देखता हूँ, इससे बड़ा टावर नहीं है लखनऊ में। और लाइक सच में ये इतना बड़ा बना हुआ है कि लाइक हर कोई, मुझे लगता है इसके बारे में, अगर लखनऊ में अगर इधर साइड कोई लोकली रहता है तो मुझे लगता है इस टावर के बारे में तो ज़रूर जानता होगा। वैसी जगह नहीं है, लेकिन हाँ लाइक इससे बड़ा टावर लखनऊ में नहीं है, तो आई थिंक सो मेरे लिए तो लाइक ये आइकॉनिक है ही, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ तो इसको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ मैं। बहुत प्यारा लगता है ये, इसको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। फिर मज़ा नहीं आती। हाँ, और एक और वीडियो के बारे में मैं सोच रहा हूँ बनाने का, जल्दी बताता हूँ, और वो भी थोड़ा लाइक पेट्रोल से रिलेटेड ही है, तो उसके बारे में मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वो इसके बारे में लाइक इतनी बातें नहीं होती हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लिएगा। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ताकि आगे वाली वीडियोस को आप मिस ना करें, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लिएगा। इसका स्टैंड आई थिंक थोड़ा ढीला हो गया है, उसके वजह से सेंसर को लगता है कि हाँ स्टैंड अभी नीचे ही है, जिसके वजह से स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको चेक करवाना पड़ेगा मुझे किसी दिन। ये एरिया लखनऊ का इतनी जल्दी लाइक धीरे धीरे डेवलप किया है, मतलब लाइक डेंसिटी और ये सब देखें तो बहुत जल्दी ये एरिया डेवलप करना चालू कर दिया है। और लाइक अब देखते देखते यहाँ पे लाइक शोरूम्स खुल गए हैं, इतने ढेर सारे कार्स के, बाइक्स के तो शोरूम पे ही शोरूम है यहाँ पे, लाइक बजाज, होंडा, TVS, KTM, बुलेट सब के शोरूम है, कार के भी उधर साइड खुल गए हैं। तो लाइक अच्छा लग रहा है, ये एरिया प्रोग्रेस कर रहा है। पहले ये एरिया बिल्कुल भी लाइक मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, आशियाना, आलमबाग उधर साइड ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, गोमती नगर, और ये वाला एरिया मैं कहूँगा अभी भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये तो शोरूम वोरूम तो लाइक कॉमन लोग खोलते हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का हमारे एरिया पर लाइक लगता है मुझे कोई भी लाइक नज़र नहीं है, ताकि इस एरिया को भी अच्छा बनाया जा सके, क्योंकि लखनऊ की मैं कहूँगा कैपिटल है, तो हर एरिया इसका कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। ये जीप को तो मैं जानता हूँ, ये मेरे फ्रेंड के घर के बगल में ही खड़ी रहती है, और आज एक निकली है, वरना कोई निकालता नहीं था इस गाड़ी को। ओ भाई, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी मेरी RC लाइक 8 साल हो गए, लेकिन जो चलती है मज़ा आ जाती है, बिल्कुल चिपक के, और बिल्कुल लाइक हाँ मैं कहूँगा 5-6 टॉप स्पीड में इसका लाइक मैं कहूँगा 8 या 7 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है, 7 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब माइनस डिग्रेड हुआ है। पहले ये मुझे जहाँ तक याद है 147-145 तक जाती थी, अब उतना नहीं जाती है। भाई इस कर्व में तो मज़ा ही आ जाती है। वन ट्वेंटी के ऊपर क्रॉस करिए, मैंने देखा नहीं ध्यान, लेकिन हाँ अभी भी लाइक इसके अंदर लाइक बहुत जान है, आराम से मैं इसको चलाऊंगा 15 साल, ज़्यादा मैं चलाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसको अपने साथ रखूंगा, जब तक मेरे लाइक हाथ में कैपेबिलिटी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एंड तक मेरे साथ रहे। पहली गाड़ी है मेरी, तो अटैचमेंट अलग ही होता है पहली गाड़ी का।
भाई स्पेस नहीं मिल रही है भगाने के लिए, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 130 तो क्रॉस कर ही जाएगी आराम से। इतने टाइम हो गया इसको, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी गाड़ी आराम से 130 क्रॉस करेगी, गारंटी फॉर श्योर। अनुपम की हीरोइन, अरे 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 अरे, चलो आओ शूज उतार दे पहले, चल लो कि नहीं अंदर, यहीं सारा प्यार दिखाओगी। हम लोग पहुँच गए अनुपम के घर पे और ये रही हमारी लूसी, तो लैपटॉप खोलते हैं। तो सारा डेटा मुझे हार्ड डिस्क में कॉपी करना है अभी, तो फ़िलहाल मैं ये काम करूँगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सारा डेटा मैं इसमें कॉपी करूँगा और ताकि ये रेडी हो सके फॉर्मेट के लिए। तो इन तीनों डिस्क का मुझे डालना है अपने हार्ड डिस्क में, तो स्टार्ट करते हैं। अभी डी वाली हार्ड डिस्क कॉपी हो रही है और अप्रॉक्स 160 GB था, तो अभी कॉपी हो रहा है धीरे धीरे। और ये अपना अलग ही मज़े काट रहे हैं। फाइनली लास्ट ड्राइव भी हमारी कॉपी हो रही है और ये भी बस थोड़ा सा ही बचा है, ऑलमोस्ट 68% हो चुका है। और बैक करूँ तो रखो रखो रखो, जब मैं बोलूँगा दबाते रहना, रुके रहो अभी। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये हमारे फॉर्म रुक जा, अभी रुक जा, अभी नहीं, अभी। ये कौन सी कलर कृति थी? लगा करते रहना ये चारों दबाओ। अबे ऐसे ऐसे लो मुँह, मेरे को पता नहीं है ना इसका। ये देखिए वाह, हॉट की वाह भाई, सर्च कर दिए ना, ये कलाकृति करवा रहे हैं भाई, पता नहीं बहुत ज्ञान है बाबा हमारे। चलिए अब सर्च कर लें पहले हमारे गुरु जी क्या शॉर्टकट है लैपटॉप में फॉर्मेट करने का। तो फाइनली जिद्दोजहद के बाद हमारा खुल गया है। रुक जा भाई, फॉर्मेट स्क्रीन मैं, लेकिन लैपटॉप फीचर देखोगे तो तगड़ा दिखा दोगे। देखिए पंखा घूम रहा है सब, हर दिन लगभग ऑन ऑफ हुआ है, हर दिन रिचार्ज हुआ है। हर दिन तो नहीं हुआ भाई, सारे ऑप्शन इंस्टॉल नाउ। वापस हम लोग 11 ही डाल लें इसके अंदर, जो था वही डाल लूँ ज़्यादा सही है। चलो भाई चलें, फाइनली सारा काम हो गया, अब जा रहे हैं घर। और विंडोज़ 11 पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और हम लोगों ने सब कुछ क्लीन वीन कर दिया था, और वो दिखाने का कोई पर्पस नहीं था। उसको इजी स्टेप होता है, कई लोग लाइक उसके स्टेप जानना चाहते हैं, तो ये तो मैं नहीं दिखा पाया। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको तरीका मिल जाएगा, क्योंकि इसका मैं इतना स्पेक्स नहीं हूँ और स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अनुपम की हेल्प इसीलिए मैंने ली थी, तो इजी होता है। लेकिन पेनड्राइव में रूट करके आपको बस डालना होता है विंडोज़, और इंस्टॉल करनी होती है तो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। और बस डेटा मुझे वापस कॉपी करना होगा, तो अभी जब घर पहुँच जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगा इंस्टॉल हो गई है पूरी तरीके से। शाम हो गई है, मौसम लेकिन बहुत प्यारा हो गया, बहुत मज़ा आ रही है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है, सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऑरेंज स्काई हो गया पूरा, ठीक है पूरा ऑरेंज, और बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे टाइम में गाड़ी चलाने में मज़ा आ जाती है बढ़िया, शाम के समय और बिल्कुल सुबह सुबह। शाम को थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि लाइक जो आपके ग्राउंड होता है वो पूरा लाइक गर्म हो जाती है, तो अब वो हीट धीरे धीरे रेडिएट करने लगती है जैसे जैसे शाम होती जाती है, इस वजह से गर्मी लगने लगती है। लेकिन सुबह सुबह ऐसा फील नहीं होता, तो सुबह की राइड थोड़ी ज़्यादा ठंडी होती है और शाम की थोड़ी वार्म रहती है। बहुत प्यारा लग रहा है सनसेट, बिल्कुल आम जैसा लग रहा है बिल्कुल आज सूरज,
और बिल्कुल लाइक अच्छी खासी हाइट फीलिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। और इतना थक गया था कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कोई काम करने का, मैं आते ही सो गया। तो अब लैपटॉप मैंने सब कुछ सेट कर दिया, तो अब इसको ऑन कर रहा हूँ। पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया था, अच्छे से डिस्क डिवाइड कर दी थी और सब कर दिया था। तो अब इसको ओपन करते हैं। अब पूरी तरीके से फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट करने का मेन रीज़न तो बता ही दिया था कि हैंग करने लगा था और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज़ आने लगे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए कर दिया था। और पहली बार मैंने इसको फॉर्मेट किया था, 2 साल हो गए इसको, 3 साल हो गए ख़रीदे हुए। तो पूरी तरीके से देखिए क्लीन हो गया है अब, लाइक ये प्रॉपरली बिल्कुल फंक्शन करेगा। ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं करते हैं ना, तो जितने भी वायरसेज वही सब होते हैं, जो एंटीवायरस अगर मैं इंस्टॉल नहीं करता था, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं ऐसी साइट्स यूज़ करता था, और क्योंकि ये साइट से डाउनलोड करना था तो बहुत कुछ करना होता था, तो नहीं हो पाता था, इसलिए ये करना पड़ता है, तो इसलिए एंटीवायरस यूज़ नहीं करता था। तो अब क्लीन हो गया है, तो इसमें वायरस भी अगर होगा तो पूरी तरीके से क्लीन हो गया होगा। तो अब इसके अंदर मैं सारा सब कुछ वापस इंस्टॉल करूँगा, फिल्मोरा, एडोबी और Insta360 का ऐप और सब कुछ वापस इंस्टॉल करूँगा। तो अब ये काम करते हैं। तो यही था इस वीडियो में मेन रीज़न, यही था करने का। हम लोगों ने पूरा दिन इंजॉय किया, काम किया, सब कुछ किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू देन।